हम लोग की कोई इज्जत नहीं है, हम लोग गरीब लोग है, हम लोग कैसे लोग है, हम लोग रहने के काबिल नहीं है। तो तुम एक काम करो, बुलडोजर ला, पूरा चला दो। ऐसे मारने से अच्छा है एक सिरता मार दो ना। हम फिलहाल वार्ड नंबर 4 सर्वे नंबर 111 6 में खड़े हुए बैतुल जलील मस्जिद की गली में। इस इलाके में कॉरपोरेशन की आम जनता से शिकायत है कॉरपोरेशन की, कि कॉरपोरेशन की जेसीबी आई और हमारी गलियों में गटर के पानी के निकासी के लिए रोड खोद के चली गई है और उसका कोई अभी तक के कोई नज़्म नहीं किया गया है। इलाके के कुछ लोग हैं जो हमें बताया कि इनको क्या तकलीफ़ हो रही है और ये लोग किसके पास गए थे और ये जेसीबी कौन भिजाए और कौन खोदने लगा, इसका जिम्मेदार कौन है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं वार्ड के कुछ लोगों से। आपका नाम बताइए। मेरा मोहम्मद लुकमान नाम है। आप कहाँ रहते हो? मैं मुस्लिम नगर में रहता हूँ, मगर ये इस इलाके में मेरा कारखाना है एरिया में, और ये लोग जो है सब अपने ताल्लुकात के लोग हैं। कुछ भी अगर ये वार्ड में तकलीफ रहती है तो ये लोग हम तक आते हैं और हम अपने दौर तक जितनी कोशिश हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप वार्ड का सोशल वर्किंग जी काम करते जी हैं। और दूसरी बात ये, हम 2 से 3 साल से कंटिन्यू ये वार्ड के लिए हम जा रहे कॉरपोरेशन, हमारे पास फोटो के साथ सबूत भी है, मगर ना कॉरपोरेटर इधर के आते, सिर्फ झूठा आश्वासन देते चले जाते हैं। 3 साल हो गए इनकी कॉरपोरेटरशिप में, मगर आज तक एक खड़ी एक पत्थर उनके फंड से यहाँ रखा नहीं गया है। ये जो रोड का बोलते हैं, ये रोड पिछले यानी जो कॉरपोरेटर थे उनके फंड का है ये, और ये गली देखिए अब कितनी ख़राब है। इनको आज जेसीबी से खोद दिए और पूरा पानी अंदर जा रहा है। इतनी ख़राब परिस्थिति है यहाँ की कि यहाँ पे जानवर रहना पसंद नहीं करते मगर इंसान यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारा यही बोलना है कॉरपोरेटर से कि जो तुम्हारा बकिया 1.5 साल बचा है उसमें कुछ काम करके वार्ड के लोगों को राहत पहुँचाए, बस यही बोलना है मेरा। अभी फ़िलहाल हम और कुछ लोगों से जानना चाहते हैं वार्ड के क्या वार्ड का क्या माहौल बना हुआ है और ये मामला कब से हुआ है और इसका असल जिम्मेदार कौन है, हम ये जानने की कोशिश। घर में जाना बहुत तकलीफ का काम हो गए, अभी ये मट्टी ढसल के और खड्डों का नाला बन जाएगा पूरा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा खोद के? ये खुदवाने के लिए आप लोग कॉरपोरेशन गए थे क्या? हाँ, ये औरतें गई थी हमारे घर की, लेकिन ये खुदवाने के लिए नहीं गए थे। तकलीफ क्या थी? ये खुदवाने के लिए नहीं गए थे, पानी का निकाल नहीं था कहीं से, सबके घरों में पानी जा रहा था। औरतें क्या बोले थे कि सिर्फ तुम टीकम लगाओ, काम शुरू करो गटर रोड का, तो ये लोग क्या समझे कि सिर्फ जेसीबी से खींच के चले जाने का। जेसीबी से खींच के जाने में क्या होगा, अभी सबकी पहिया सड़ेंगी, सबकी दीवार बढ़ जाएंगी, उसमें एक आध मर मर आ गए, दीवार गिर गई किसी के ऊपर, उसका जवाबदार कौन रहेगा? अभी ये बारिश आएंगी, ये गटर खोदी है जो कच्ची गटर। जेसीबी कौन भेजाया था? ये कॉरपोरेशन की जेसीबी आई। आप लोग कौन भेजा? जेसीबी की डिमांड की थी क्या आपने? जेसीबी की डिमांड कोई नहीं किया था। और कौन भेजा, किस लिए भेजा, यानी जुमा की नमाज खड़ी थी और जेसीबी आके खोदना शुरू कर दिया था, यानी आदमी लोग थे भी नहीं महल्ले में जब जेसीबी आके काम शुरू करा खोदना। अभी ये गटर जो खोद के गए कच्ची, अगर इसमें पानी भर गया, छोटे छोटे बच्चे गली महल्ले में, एक आध बच्चे गिर गए उसमें, खुदा ना खास्ता किसी कुछ हो गया, तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? कॉरपोरेशन लेंगी क्या जवाबदारी बच्चों की? ठीक है, शुक्रिया। अभी हम और दूसरे लोग हैं यहाँ पे इलाके में, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए। सेशन गए थे गटर की मांग करने, कि पानी बहाव जो है वो निकल जाए, बारिश का पानी जो निकल जाए। थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, और आप लोग अपना मुंह बंद कर लो, इसे क्या मतलब नहीं आपका? फिर हम इसलिए गए थे, आप लोग कॉरपोरेशन गए थे, आपको वहाँ पे क्या बात हुई थी आपकी? हम लोग वहाँ पर ये बात कर रहे थे कि भैया बारिश का पानी निकलने के लिए हमको रास्ता दो, टिकम लगा दो थोड़ा, ताकि हम लोग गटर में मिला देवे। तो वो लोग जेसीबी भेजे, उन लोग को समझता नहीं कि 15 फुट की गली में जेसीबी का क्या काम है। अरे हाथ काम वाले को भेजते, कच्ची गटर बनवा देते, जैसे नाला बना के चले गए, वो तो और ज्यादा हम लोग को तकलीफ हो गई है ना। हमारा ऑटा फटा गया, फूटा कितना नुकसान हो गया है। गटर की मांग कर आज कई साल से हम लोग दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे आवाम की यही शिकायत है कि इनके वार्ड में ये लोगों को शिकायत थी पानी की निकासी की, ये पानी की निकासी के लिए कॉरपोरेशन गए कि इनके वार्ड में 10 साल से परेशानी हो रही है और पानी की कोई निकासी का इंतजाम नहीं था। ये वार्ड के कॉरपोरेटर से मिले, हर तरीके से हर एक के पास इन्होंने शिकायत की, मगर इनके शिकायत पे अमल नहीं किया गया। इसके बाद ये कॉरपोरेशन जाके शिकायत किए कि हमारे वार्ड से आप पानी की निकासी के लिए कुछ इंतजाम करें, तो उसके इंतजाम के लिए कॉरपोरेशन ने जेसीबी भेजी है और जेसीबी भेज कर गली का पूरा एरिया खोद के चली गई है। इसकी वजह से काफी मकानात को नुकसान हुआ है। आइए अब हम इलाके का सर्वे। ऐसा बोले कि मैं 3 लाख का बजट देता, तुम तुम्हारे हिसाब से बनवा लो, तो आप कौन बनाएगा? ये बजट है मतलब हमको जानबूझ के सताया जा रहा है। फिर हम लोग 5 साल से दौड़ रहे, तो ये पागल के जैसा कुछ तो हाल होना चाहिए ना, कब तक दौड़ेंगे?
अभी मुल्ला जी ने बोले सबके सामने कि मैं 3 लाख का बजट देता, तुम लोग काम करवा लो, तो अब इसका हल कराओ, कौन करेगा? कारपोरेशन जाओ तो बोलते हैं कि उधर बजट मिल गए, कारपोरेटर को पकड़ो, कारपोरेटर के पास जाओ तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग को बजट नहीं मिला, तो कि हम लोग एड़े हैं, बार बार यही काम करेंगे। कारपोरेशन जाओ उधर से कारपोरेटर के पास आओ, कारपोरेटर कुछ बोलते हैं, कितनी परेशानी है, सब पूरा सब रोड और सब गटर सब कहीं पानी का निकलने का रास्ता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से ये काम चालू कराओ, नहीं तो परसों से हम लोग बच्चे आदमी सब समेत वहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे। 2.5 महीना हम लोग लॉकडाउन में बैठे ना, तो वहाँ हमको जितने दिन बैठना पड़ेगा हम बैठ जाएंगे, लेकिन अब हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये हम लोग के मोहल्ले का वार्ड का पावरवाड़ी का सब सही करो, इसके पास जाओ वो बोलता उसके पास जाओ बोलता बजट नहीं है, वो बोलता उसके वो MLA के पास जाओ, मेंबर के पास जाओ, मुक्ति स्माइल आके गए देख के गए उधर, बोले पानी भरा है मैं सही कर दूंगा, सब खाली तसल्ली देते हैं, हम लोग को एड़ा बनाते हैं, हम लोग एड़े पागल हैं, हम लोग सोचते हैं हमारे मेंबर है MLA, हम लोग इज्जत देते हैं, तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हम लोग की कोई इज्जत नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोग रहने के काबिल नहीं है, तो तुम एक काम करो बुलडोजर ला पूरा चला दो, हम लोग रहते ही नहीं ना, ऐसे मरने से अच्छा है एक सिरता मार दो ना। हाँ अभी ये सब काम पूरा आधा अधूरा पड़ा है, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि बारिश होएगी तो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे घर में पानी घुस जाएगा तो कैसे अड़ते रहेंगी? हाँ तुम लोगों को ये एहसास नहीं है जरा सा? दौड़ दौड़ के हम लोग थक गए, अब बहुत परेशान हो गए हम लोग, अब ये मसले का हल करो, नहीं तो हम लोग परसों के दिन से वहाँ धरना दे के सब जाएंगे, आदमी औरत बच्चे हम लोग सब वहाँ धरना दे के बैठेंगे, फिर कोई ये ना बोले कि हमारे खिलाफ तुमने ऐसा क्यों बोले। नाजरीन देखिए ये इस तरीके से यहाँ की हालात कर दी गई है, ये मकान का पूरा दीवार का ये हिस्सा तोड़ दिया गया JCB से, अब ये मकान का जो पहिया इसमें पानी जाएगा बारिश का, और दीगर जो गंदा पानी हो जाएगा इससे पहिया धस सकता है, दीवारें गिर सकती है, पक्के मकानात गिर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इलाके के साथ हमला किया जा रहा है। अभी हम वार्ड नंबर 4 सर्वे नंबर 111-6 में हैं, यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से पूरा खोद दिया गया है, अभी आप इसका भी देख सकते हैं कि इसकी जो बुनियादी चीज़ दी गई है वो पूरी, अब देख सकते हैं ये मस्जिद का एरिया है, ये नाहिद हज्जिन, यहाँ पे नाहिद हज्जिन मस्जिद है, ये मस्जिद का इलाका है, आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 4। गुज़िश्ता दिनों हमने वार्ड नंबर 4 का आपको दौरा करवाया था हमारे चैनल के थ्रू, अभी भी फिलहाल इस वार्ड में अब तक के कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, वार्ड की आवाम परेशान है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद का बुनियाद भी पूरी ढीली हो चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मस्जिद है शेड में बनी हुई, ये पूरा देखिए पूरी बुनियाद इसकी ढीली हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैतुल कुरान मदरसे के सामने का हिस्सा है, ये किस तरीके से यहाँ पे गंदगी नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं, जानवरों की अफजाइश ज़्यादा होती है। सजबात न्यूज़ का मकसद खबरों के साथ खबरों में छुपे अवामी मसाइल को हल तक पहुँचाना है, इसलिए आप सजबात पढ़िए, सजबात देखिए और सजबात अपनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, खबरों को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।